एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैव गुरु प्रसाद। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, सतगुरु देव जी महाराज की फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है? वक् वक् मनुखा ने इस संबंध विच खोज की है भई ये क्यों है, दुख का बुनियादी बीज केड़ा है, कितों उत्पन्न होता है और क्यों होता है। दुख निवृत्त हो सके इस तरीके के उपराले राजनीतिक लोगों ने वैद डॉक्टर ने भी किए भी किसी तरीके नाल संसार तो शरीरक रोग मानसिक रोग कलेश दुख संताप जिहड़ा है इहदी निवृत्ति हो सके। पर यह दुख है कित्थों और क्यों है, इहदे बुनियादी भेद लभण दी कुछ रहबरी पुरशां ने भी कोशिश की। ईसाइयत ते इस्लाम का कहना है मनुख जिहड़ा दुखी है इस वास्ते दुखी है कि यह पापी है, ते हर पाप दुख नूं जन्म देता है, हर पाप तो कलेश पैदा होता है, हर पाप तो शरीर मन और अध्यात्मक रोग पैदा होता है। इत्थे आके इस्लाम ने और इस आयत ने यह बुनियादी रूप दस दिते। पर सवाल यह है कि पाप किस तरह मिटन, कहते हैं पुन कीते हैं, पुन करोगे पाप मिट जाने, पुन करोगे पाप धुल जाने। पर आप हैरान होवोगे साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इस नजरिए नाल सहमत नहीं, और करीबन करीबन हिंदुस्तान का होर भी कोई ऋषि मुनि इस्लाम ते ईसाइयत की इस विचारधारा नाल सहमत ने। दुख क्यों है, इस वास्ते कि पाप है, इस्लाम ते ईसाइयत का नारा। पाप तो दुख पैदा होंदे ने, पर पाप किस तरह मिटन, पुन करो, कितने पुन करिए पाप मिट जाणगे। कहिंदे ने जिन्ने पाप ने उन्ने पुन करो, एक एक पुन नाल एक एक पाप मिटेगा, ते जिस दिन सारे पाप मिट जाणगे उस दिन सुख मिलेगा। पर जिन्ने पाप ने कदी बगौर मुताला करो पता है कितने ने। जागदा गुरु नानक देव जी महाराज ने गिणती शुरू की थी भी देखिए कि सही मनुख के अंदर गुनाह कितने ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया ते ते औगुण हमारे। समुंदर विच जितना पानी है मनुख कोल उतनिया ही भुलां गुनाह ते पाप ने। ते जो उन्ने पुन करिए जिन्ने पाप ने तो जिंदगी ते बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी। ते पुन करदिया करदिया भी कई पाप हो जाणगे। इस तरीके नाल ते लेखा निबड़दा नहीं दिसदा, इस तरीके नाल ते छुटकारा मिलदा दिसदा नहीं पिया। पर नारा है ईसाइयत ते इस्लाम दा भई करो पुन और रज के करो ताकि पाप मिट जाए। पर बड़ी जुर्रत कीती है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने, पता कि कहते हैं पाप पुन दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुन भी पाप वर्गा, कोई फर्क नहीं, कोई पुन दे नाल पाप नहीं कट गए। थोड़ा जिहा आप इंज भी विचार कर लिया, आखिर काफी समय तो लोग गुरुद्वारे आ ही रहे, कुछ कथा कीर्तन सुनते ही, कोई दान पुन करते ने, क्या पाप कट गए? किसी मनुख के पाप कट गए ने
किस तरह अंदाजा लगाओगे उसके दुख कट गए, वह मस्ती दे आ गए, वह खेड़े दे आ गए, वह प्रसन्नता दे आ गए, वह दुख दे भी सुखी रहने का आदि हो गया। कोई दुख उसको बेजार नहीं करता, बेचैन नहीं करता, यह पहचान। पर दुख तो मौजूद है, तो दुख का मौजूद होना इस गल का सबूत है कि पाप मौजूद ने, तो पाप का होना इस गल का सबूत है कि पुन नाल नहीं कटे, पुन दे नाल नहीं कटे गए, पुन दे नाल नहीं मिटे। बड़ी बुनियादी गल साहिबां दी बाणी साढ़े सामने रखती है, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुन भी पाप है, कोई फर्क नहीं। धक्का लगता है आम कर्मकांडी मनुखा नूं भी, पाप ते पाप है, पुन भी पाप है। ते जे पुन भी पाप है ते क्यों पुन करिए। दरअसल गुरबाणी साढ़े सामने नुकता निगाह रखती है कि बंदा पाप क्यों करता है। अज्ञान वस हो गए, लोभ वस हो गए, तृष्णा वस हो गए, होमे वस हो गए, ईर्षा वस हो गए, वैर वस हो गए, बंदा पाप करता है। पर हुण कोई बंदा पुन करे, पर करे अज्ञान वस हो गए, लोभ वस हो गए, तृष्णा वस हो गए, हंकार वस हो गए, तो जिहड़ी भावना पाप नाल कम पई करदी है उही भावना पुन नाल कम पई करदी। फर्क ते है नहीं। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहिंदी है पाप पुन दोए एक समान। कोई बहुत वड्डी घटना नहीं है पुन, इस वास्ते भी वड्डी नहीं कि पुन नाल पाप नहीं कटदे और मौजूद रहते। गुरुद्वारे आंदा होया भी मनुख गलतियां कर ही जाता है, बाणी पढ़ता होया भी मनुख अनर्थ कर ही जाता है, दान पुन करदे होया भी बंदा पाप करी जाता है, इधर पुन करी जाता है, इधर पाप करी जाता है, पुन नाल पाप कट रहे होना ऐसा दिखाई नहीं देता। एक यथार्थ ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने सामने साढ़े सामने रखा है। उंज ईसाइत ने ते इस्लाम ने एक तिफल तसली जरूर दिती है, बच्चों वाली तसली परचावा भाई पुन करो पाप कट जाएंगे, पाप कट गए दुख भी कट जाएंगे। पर दुख कटते दिसते नहीं पे क्योंकि पाप नहीं कटते पे, तो पाप कटते हुए नहीं दिसते पे क्योंकि पुन नाल नहीं कटते, पुन नाल पाप का अंत नहीं आता। पर हुण किस तरह हो गया जे दुखी बंदा इस वास्ते है पापी है। पर हुण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सवाल करते हैं बंदा पापी क्यों है, जब पाप तो दुख पैदा होते हैं तो बंदा पाप क्यों करता है। सवाल यह है बंदा पापी क्यों है। तो हिंदुस्तान के तमाम ऋषि मुनि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो नजरिया साढ़े सामने रखते हैं वे कि बंदा अज्ञानी है, ना समझ है। चूंकि अज्ञानी है इस वास्ते इस तो भुला होंगे पाप होंगे, तो चूंकि पाप होंगे इस वास्ते दुख है। दुख का बीज पाप नहीं, दुख का बीज अज्ञान। मैं पता नहीं अग बिच हाथ पाया हाथ सड़ जाता है, पता नहीं तो हाथ मैं पा छड़ा, समझ नहीं पता नहीं। मनुख नूं पाप का पता नहीं है, पुन का भी नहीं पता, बोध नहीं है। तो जिथे इस्लाम ते ईसाइत ने कह दिता दुख पाप तो पैदा होंदे ते गल इत्थे खत्म कर दिती और पाप पुन नाल मिटदे ने, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक होर सवाल खड़ा कर दिता है पाप कित्थों पैदा होंदे ने, क्यों पैदा होंदे ने, क्यों मनुख करदा है, पाप विच लज्जत क्यों है, पाप मनुख नूं क्यों खिंचदा है और मनुख की जिंदगी पाप नाल क्यों भरी हुई है। तो साहबां दी बाणी कहिंदी है अज्ञानी है बंदा, समझ नहीं, इसनू बोध नहीं, इहदे कोल ज्ञान नहीं। ते जे इहनू बोध मिल जाए, इहनू ज्ञान मिल जाए तो पाप छड़ जाणगे, ते जे पाप छड़ गए तो फिर दुख भी छड़ जाणगे। इस वास्ते देखण विच आ रहा है
कि पुन करदा आया भी बंदा पापी बने आया और दुखी भी बनिया। अज्ञान तो पुन आन गए तो वह पुन भी पाप वर्गे। अज्ञान तो पाप जिहड़ा होवेगा पाप तो है, अज्ञान तो पुन हो रहा है वह भी कोई पुन नहीं है और उसका कोई फल आनंद ते खेड़ा प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि सारा जगत पुन करता पै पर सारा जगत दुखी भी है। गुरु नानक देव जी महाराज ते जिथे तक दृष्टि मार देन पातशाह फरमान करते हैं, बाली रोवे नाय भतार नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद भी कहते हैं पहले भाई मैं यह समझिया सी कि मैं दुखी हाँ, मैं परेशान हाँ, पर फरीद कहते सहजे सहजे ज्यों मैं बुलंदियां ते चढ़िया ते मैं देख के हैरान हो गया हर घर विच दुखां दी अग पई बलदी। फरीदा मैं जाणिया दुख मुझको दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। दुख दी अग हर घर विच बलदी पई है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसे थां ते इतनी जोर दी अग बल रही है धुआं बाहर आ रहा है, किसे थां ते बस मध्यम रूप विच बलदी पई है धुआं बाहर नहीं आ रहा, किसे घर विच कलेश इतना पड़ोसी नूं भी पता चल जांदा, चौथे पंजवें नूं भी पता चल जांदा, बहुत सारिआं नूं पता चल जांदा इस घर विच बहुता दुख है क्योंकि धुआं बाहर आ जांदा, दुख बाहर प्रगट हो जांदा। पर किसे किसे थां बाहर प्रगट नहीं आता, तो इहदा इह मतलब नहीं धुआं बाहर नहीं आ रहा जिथे अग नहीं बल रही, इत्थे भी दुखां दी अग इत्थे भी बल रही है। गल चेते आई, एक जैनी महात्मा ने प्रश्न किया सी दास ते, बे गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत ये कहती है कि नानक दुखिया सब संसार, ये कोई हर महीने विच सच नहीं है। संसार विच आनंद भी है, खेड़ा भी है, खुशियां भी हैं, प्रसन्नता भी है, हासे भी है गे ने, किस तरह मन लिये निरा ही दुख है, बिल्कुल दुख है। उन्होंने मैं क्या ये साहिबां दी बाणी रब्बी कलाम है और तजर्बे की बिना ते पातशाह कह निर्धन दुखी है धनवान भी दुखी है, निर्गुण दुखी है गुणवान भी दुखी, बीमार ते दुखी है तंदुरुस्त भी दुखी है, ऐसा देखने को मिलता है। मूर्ख ते दुखी है सियाणा भी दुखी है, सारे ही दुखी है। मैनू कहन लगा नहीं जगत विच खेड़ा भी है खुशी भी है। मैं कहा अच्छा दिखा दोगे तो शायद फिर कबूल कर लवांगे, पर इत्थे तक नौबत नहीं आएगी। बड़े माण नाल कहन लग पिया थानू मैं सुख दा रूप दिखावांगा और थानू कबूल करना पेगा कि गुरु नानक ने जिहड़ी गल आखी 100% सही नहीं है कि नानक दुखिया सब संसार। दूसरे दिन गुरुद्वारे आया, हथ दे च गुलाब दे फुलां दा एक बड़ा सोहना गुलदस्ता से, मत्था टेक के एक पासे बैठ गया पर फुल अर्पण नहीं कीते। कथा की समाप्ति तो बाद मैनू कहन लगा आ देखो मस्कीन जी गुलाब दे फुल दिखाई दे रहे, मैं कहा दिखाई दे रहे, क्या पत्ती पत्ती नहीं मुस्कुरा रही, थानू ये फुल रोंदे दिसदे पैन के हसदे है, खेड़ा किसनों कह दें प्रसन्नता किसनों कह दें हंसी किसनों कह दें, इन्हां फुलां नू वेखो ते इन्ने खिड़े फुलां नू वेख के भी क्या कहना पैगा कि संसार विच नारा दुख है कलेश है रोना ही रोना है, खेड़ा भी है मस्ती भी है मुस्कुराहट भी है प्रसन्नता भी है। तो सुभाविक सतगुरु देव जी महाराज की दित्ती हुई प्रेरणा मुताबिक मैं उन्होंने ये विनय की थी भी कल तुसीं वैदा कीता सी सुख दा रूप दिखावांगे ते अज तुसीं दिखाया मैं मनदा कबूलदा। ये गुलाब दा खिड़िया गुलदस्ता तुसीं हुण इत्थे ही रख जाओ ते शाम नूं आके इन्हां फुल्लां तों पुछणा थोड़ी मुस्कुराहट कित्थे गई थोड़ा हासा कित्थे गया,
रो पिया, कहिंदा शाम नूं ते मुरझा जाणगे। तो मैं कहा मुरझाणा कोई आसमान दे चों आवेगा, इन्हां दे खेड़े दे चों ही मुरझाणा निकलेगा, इन्हां दे हासे दे चों ही रोणा निकलेगा। फूल खिलता है मुरझाने का तखैयल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हर हासे दे थल्ले रोना छुपया पे, हर जिंदगी दे थल्ले मौत छुपी पई है, हर तंदुरुस्ती दे थल्ले बीमारी छुपी पई है, हर नफे दे थल्ले नुकसान छुपया पे है, हर इज्जत दे थल्ले बेइज्जती छुपी पई है। इस आधार ते गुरु नानक नु कहना पे, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। ए दुख क्यों है? इस्लाम ते ईसाइयत कहंदी है पाप ने, ते पाप तो दुख पैदा होंदे ने। पर सवाल है पाप क्यों ने? जब पाप दुख दी बुनियाद है, दुख दा बीज है, फिर बंदा क्यों पाप करता है? तो पातशाह दी बाणी कहंदी है बंदा अज्ञानी है, पुन कीतिया पाप नहीं कटणगे, ज्ञान नाल कटणगे। जैसे दीवा बले अंधेरा जाए, ज्यों दीवा बाली है ते सारे दा सारा अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान दी शमा रोशन होंदिया ही सारे पाप भज जांदे। ते जद पाप भज जांदे ने तो दुख भी भज जांदा है। पाप दा मतलब है अंधेरा, ते अंधेरा अगर कोई बंदा झाड़ू दे नाल कढ़ना चाहे कमरे दे चों, रात दा वक्त होवे ते अंधेरा बड़ा होवे, ते एक बंदा कहे मैं झाड़ू देना है ते अंधकार नूं कमरे तो बाहर कढ़ना है, तो झाड़ू नाल अंधेरा नहीं निकलन लगा। ते दूजा होर हिम्मत कर लवे, वो पानी भर के ले आवे, भई पानी नाल धो छड़ी है अंधेरे नूं, तो पानी नाल अंधेरे ने धोलना भी नहीं। ते तीसरा गुस्से च आके डांगा चुक ले आवे, भई इहनूं मारीए ते कुटीए शायद नसे। ते डांगा दी मार दे नाल भी अंधेरे ने भजना नहीं है। इस तरह दे वो कर रहे सन, पर एक सियाने मनुख ने मोमबत्ती जला दित्ती, दीवा जला दित्ता, अंधेरा चला। उन की ने उन इंज ने जिवें झाड़ू दे नाल अंधेरे नूं कढ़ना, निकलदा कदा ही। उन की ने डांगा दे नाल अंधेरे नूं कढ़ना, निकलदा कोई। पुन की है पानी दे नाल अंधेरे नूं धोण की कोशिश करनी है, क्या धुलदा अंधेरा पानी नाल? कदे ही नहीं। इन्ने पुन करदे रहिंदे आ पाप बणिया ही रहिंदा, कदी विचार के देखो। ते अज तक कीते हुए पुन ने साडे पाप नहीं कटे, ते तुसी अंदाजा लाओ अगे किस तरह कटणगे। जिस पुन ने अज तक पाप नहीं कटे, ते पाप किसे दे कट गए ने उहदी पहचान की? उहदे कोल दुख नहीं होवेगा, प्रसन्नता होवेगी, खेड़ा होवेगा, मस्ती होवेगी। इतनी वड्डी मस्ती कि कोई बंद बंद भी कटे ते मस्ती च फर्क नहीं पएगा, आनंद दे च फर्क नहीं पएगा, खेड़े ते खुशी दे च फर्क नहीं पएगा। वो एक खुशी है, वो एक आनंद है, वो एक ऐसा आनंद जिथे दुनिया के दुख ते संताप पहुंचते हैं। पर हुण पुन ते असीं बहुत करदे आं, ते पुन दे हुंदे होयां वी पाप बणिया रहिंदा, ते पाप दे हुंदे होयां वी दुख बणिया रहिंदा। तो इत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, पुन नाल पाप नहीं कटदे। आखिर हर बंदा लंगर की सेवा भी करता है, दान पुन भी करता है, कथा कीर्तन करता भी है, कथा कीर्तन सुनता भी है, होर भी बड़ा सी परोपकार कर लैंदे आ, पर इहदे नाल क्या कट जांदे ने पाप? नहीं, दोवें इकट्ठे ही चलदे, पाप पुन दोवें इकट्ठे चलदे ने। काम के वारी दुख सुख दुरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर ते मन मावासी राजा। भगत कबीर जी महाराज कहते ने जिथे मन बैठा ना, मन मन राजा, उत्थे तक पहुंचने वास्ते दो दरवाजे ने, पाप ते पुन। ते इन्हां दो दरवाजिया दे उत्ते सुख ते दुख दो दरबान बैठे ने, किसी नूं अंदर नहीं जान दिंदे। मन तक मजाल है, पंक्ति कोई पहुंच जाए आसा दीवार दी, पुन कोई पहुंच जाए, पहुंचता ही नहीं, दरवाजे दे चौकीदार रोक छड़ दे। ना दुख अंदर जान देंदा है किसे विचार नूं, ते ना ही सुख अंदर जान देंदा। ते पाप ते पुन नूं दरवाजा कह दिता है, मन का बचाओ। मन अपने आप नूं बचाई रखता, कदी पाप नाल कदी पुन नाल।
इस वास्ते कबीर नूं कहना पिया कि पाप पुन दोए एक समान, ये दोवे इको जिहा। अंधेरे विच जिहड़ा भटकना है वो वास्तविक की है, चल रहा है बंदा अंधकार विच पर भटके होया पुन है, एक बैठा है अंधेरे विच चलता ही नहीं वो पाप है, पर एक चल रहा है पर भटक रहा है, कोई मार्ग नहीं चल रहा है, विचारे च हरकत है करता पे है कुछ पर रस्ता ही कोई किधर जाना है किथे पहुंचना है कोई बोध नहीं। इस वास्ते साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कोशिश की थी कि मनुख नूं समझ मिले, और गुरु नानक देव जी महाराज ने अजीम करिश्मा जगत दे चराज कर दिता कि बंदे नूं पुजारी ज्ञान दा बनाना, गल ही खत्म हो ज्ञान दा। ते ज्ञान कित्थों प्रगट हुंदा है, जोत कित्थों प्रगट हुंदी है, सूरज तों, रोशनी कित्थों प्रगट हुंदी है, दीवे तों, ज्ञान कित्थों प्रगट हुंदा है, शब्द तों। तो फिर बंदे नूं शब्द दा ही पुजारी बनाईए ते बंदा ज्ञानी बन जाएगा, ते जे उसनूं ज्ञान मिल जाएगा इस तों पाप ही नहीं आउणगे, ते जद पाप ही नहीं आउणगे ते अंदर आनंद बणिआ रहेगा, खेड़ा ते खुशी बनी रहे। तुसीं अपनी गलतियां दा कदी अंदाजा लाणा पाप बंदा क्यों करदा है, अज्ञान वसो समझ नहीं कि चोरी कितना एक वड्डा बोझ है, झूठ बोलना कितना एक वड्डा बोझ है, यारी कितना एक वड्डा दिल दिमाग का बोझ है, और इस तो कितने वड्डे दुख ते संताप पैदा होंगे बंदे नूं पता ही नहीं, ना समझिए। तो दसों गुरु साहिबान ने कोशिश की थी बंदे नूं ज्ञान का पुजारी बनाइए, और कह दिता गुरु ही ज्ञान है, प्रेरणादायक वो है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ, भई ज्ञान नूं गुरु बनाओ और इसे दे नाल ही अपनी आत्मा नूं उपदेश करो। अजोके समय विच चारों पासे तर्क बड़ी खड़ी हो गई, इतने कि जवाब ना दिते गए तो कई दे दिल दिमाग उन्होंने डगमगा देने। एक सज्जन ने इत्थे तक मैनू कहा भई सदियां तक हिंदुस्तान पत्थरां दा पुजारी रहा है, सारी दुनिया पत्थरां दी पुजारी रही है, बोधी पत्थरां नूं पूजदे ने, ईसाइयां ने हजरत ईसा नूं पत्थर दा ही बना दिता है, खाने काबे विच वी संगे अस्वत पिया ते उहनूं बोसा दे के वापस दुनिया आउंदी है, समुच्चा सनातन जग पत्थरां नूं पूजी जा रहा है। वह मैनूं कहण लगा करीबन करीबन सारी दुनिया पत्थरां नूं पूजदी है ते तुसीं पूजदे हो कागज़ नूं। तो जिथे पत्थर जड़ है उत्थे कागज जड़ है, जिहड़ी पुरानी भुल सारा जगत कर रहा सी उस भुल नूं सिख जगत भी दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, और कुछ नहीं, कोई नवा मार्ग नहीं है, ये कोई नवी गल नहीं, जड़ का रूप बदल दिता है, पहले पत्थर जड़ से हुण कागज जड़ है, पहले पत्थर की पूजा से हुण कागज की पूजा चल रही। अपनी तरफों उसने बड़े माण नाल और बड़े हौसले नाल ये गल आखी, मैं कहा मित्रा तैनू भुलेखा लग गया, असी कागज के पुजारी नहीं हाँ, असी तो अखबार पढ़ते हैं चुक के परे पाते हैं, गलिया गलिया च कागज साढ़े पैरों थले रुलता पे, तो जे असी कागज के पुजारी हाँ तो फिर कागज़ में मत्था टेकीए, हर कागज़ में मत्था टेकीए, कता ही नहीं असी कागज के पुजारी नहीं। मैं भगत रविदास जी महाराज की एक पंक्ति उसके सामने रखी, तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारन, कागज की विचार करिए कागज कोई पवित्र चीज नहीं है, यह बनता है प्राचीन समय च बनता सी ताड़ी दे दरखत तो, जिहड़ी सब तो पहली बीड़ है ना करतारपुर साहब वाली, वो बड़ा मोटा कागज है ताड़ी के बुरादे का बनया, हाथ नाल कागज उन्होंने ना हाथ नाल बनता। भगत रविदास जी महाराज कहते ने तरतार अपवित्र कर मानिए रे, जे कागज की विचार करिए कागज कोई पवित्र चीज नहीं, क्योंकि अपवित्र दरखत ताड़ी तो बनता है, ताड़ी दे चों एक रस निकलता है जिहदे च नशा शराब वर्गा होता है, तो शास्त्रकारा ने इस दरखत नूं अपवित्र करके कह दिता है। अजकल कागज बांस तो घास तो ते लकड़ तो बनता है, तो ना कोई बांस पूज योग है ना ही घास ते ना ही लकड़, तो
तो जब लकड़ घास बांस या ताड़ी दे बुरादे तो बनिया जो कागज वो कोई पूजी योग ते है ने, जैसे ताड़ी दा दख अपवित्र ते कागज भी अपवित्र। पर रविदास जी कहते भगत भगौत लिखिए तें ऊपर पूजिए कर नमस्कार। भगवत दी महिमा जद कागज दे उत्ते लिख दित्ती जांदी है तो सजदा करन दे उत्ते मनुख मजबूर हो जांदा है। असी मत्था टेकदे हां, रविदास कहते कागज नूं कौन मत्था टेकदा है, भगवत दे नाम नूं मत्था पै टेकदे, ईश्वर दे ज्ञान नूं पै मत्था टेकदे। 1430 सफे दी बीड़ होवे पर होवे कोरी, एक अखर भी ना लिखिया होवे ते प्रकाश होवे सोने दी पालकी च, सही मायने च जो सिख है मत्था नहीं टेकेगा। कोई असी कागज दे पुजारी ने, भावे कागज 1430 ही क्यों नहीं ने, भावे सोनी जिल्दबंदी क्यों ना हुई होवे, भावे सोने दी पालकी च प्रकाश क्यों ना होवे, असी पुजारी हां बाणी दे, शब्द दे, विचार दे, ज्ञान दे। राधा स्वामियां ते निरंकारियां ने एक नवा नारा लाया और उनकी लपेट दे च लखां ही सिख आ गए ने, क्योंकि एक साडा ये धर्म है जिहदे कोल ज्ञान शहीद गुरुआं दी प्रेरणा और मेहनत बड़ी है, पर अफसोस है मिशनरी बहुत घट ने, और उन्होंने एक प्रोपेगंडा शुरू किया होया है और वह प्रोपेगंडा एवें नहीं जा रहा, उहदी लपेट दे च बथेरे आ गए, जिवें जंगल की अग की लपेट दे च दरख्त आ जाते हैं, उन्हां दी गल दी लपेट दे च लोकी आ गए। राधा स्वामी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब आप नहीं बोलते, असी बुलाते, असी वाक ना लईए तो बोल सकते, तो फिर असी तशरीह भी असी करते हैं, व्याख्या भी असी कर, अर्थ भी असी करते हैं, संसार नूं दसदे भी असी हाँ, तो जब सब कुछ असी दसते हाँ, असी वाक लेंदे हाँ, असी विचार करते हाँ, तो हर्ज की हो गया जे असी गुरु अखवाईए, की हर्ज, जगत साथों प्रेरणा लेंदे, लोगों नूं असी मार्ग दसते, शब्द के विचार असी दसते हाँ, शब्द नूं बोल के असी दसते, तो हर्ज की इस देही नूं गुरु कह दईए। इहदे उत्ते मैं एक दलील देंदा हुंदा, तुहाडे सामने भी रखदे हाँ। एक अनपढ़ स्त्री, उसका पति किधरे चला गया परदेस, मुद्दत पा के उसने घर लिखी चिट्ठी, ते हुण जैसा रिश्ता होवे ना संबंधित अलफाज वैसे ही होंगे, भरा भरा नूं चिट्ठी लिखे तो कुदरती गल है बिरादर ब्रदर लिखे, भैन भैन नूं चिट्ठी लिखे तो भैन रूप विच मुखातब करेगी, धी मां नूं चिट्ठी लिखे, पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे, पति पत्नी नूं चिट्ठी लिखे, तो जैसा रिश्ता होंदा है संबोधन अलफाज मुखातब किए हुए अलफाज उस तरह के आते हैं और उहदे च रिश्ते की झलक प्रगट होती, और मुखातब अलफाजा तो पता चल सकता है कि कौन चिट्ठी लिखण वाला है, भरा चिट्ठी लिख रहा है, भैन चिट्ठी लिख रही है, मां चिट्ठी लिख रही है, पत्नी ने चिट्ठी लिखी है, पति ने चिट्ठी लिखी है, वह जो मुखातब अलफाज ने जिसने संबोधन किया गया है उस तो सियाणा बंदा अंदाजा ला लैंदा है भी कि लिखी हुई चिट्ठी। हुण पति ने लिखी है चिट्ठी पत्नी नूं, ते पत्नी रूप में उसने उसनूं मुखातब भी किया, मेरी पत्नी करके लिखे, पर यह बेचारी हुण अनपढ़ है, चली गई पड़ोसी दे घर, ते पड़ोसी नूं कहिंदी है वीर जी ये चिट्ठी पढ़ के सुनाओ, ते पड़ोसी हुण चिट्ठी पढ़दा, उन्हां अलफाजां नूं भी पढ़दा है जिहदे च पति ने पत्नी नूं पत्नी रूप विच मुखातब किया, मेरी पत्नी, ये लफ्ज़ भी उस पड़ोसी ने पढ़े, ते सारी चिट्ठी पढ़ के सुना दित्ती, ते हुणे चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला आके तू मेरी पत्नी है ते मैं ही तेरा पति है क्योंकि मैं तेनूं मुखातब किया मेरी पत्नी, तू सुणिआ तू सुन दे। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला जे पति होण दा दावा करे ते उस तों वड्डा दुराचारी नहीं, गुरु नानक दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला गुरु होण दा दावा करे उस तों वड्डा कोई अग्ञानी नहीं। चिट्ठी पढ़ के सुना दित्ती है तेरा धन्यवाद तेरा शुक्रिया,
और तू हूं आके नहीं चिट्ठी मेरी है, ये तो भुल है। अक्सर ऐसा ही हो रहा है। राधा स्वामियां ते निरंकारियां दा ये दावा, नामधारियां दा भी यह दावा। लफ्ज़ मैं कह दिया क्योंकि मैं इस तरह के एक समागम विच गया से, बुलाया से मैनू, कीर्तन हो रहा से बड़ा सुंदर, और दरवाजे ते खड़े होके मैं देखिया कीर्तन की धुन बड़ी मधुर है, मन नू खिंचण वाली है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश नहीं सी, संतां बहुत सन, चौकदार चांदी की मुठ लैके खड़ा होया से। उस तो मैं सुभावक पूछया भी सतगुरु जी का प्रकाश नहीं है। मैनू कहन लगा गैनी सिंह जी सतगुरु थाईलैंड गए हुए। मैं उन्होंने आख्या तुसी मेरी गल समझी नहीं, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं है। मैनू कहन लगा सतगुरु गए ने थाईलैंड ते ग्रंथ साहब का प्रकाश है उपर। मैनू पता चलिया कि गुरु ग्रंथ नहीं कहते, ग्रंथ साहब ते कहने गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते। सतगुरु ओ जड़ा हुण थाईलैंड गया दौरे ते ये ग्रंथ साहब ने। बहुत चोट लगी मैनू भी इतने टुट गए। और फिर मैं जब अरदास सुनी ते 13-14 गुरुआं दे नाम और सब सिंगी बैठे दाड़ियां ने सिर ते केस ने सोनिया दस्तारा ने भटक गए। निरंकारियां ने लखां सिख भटका दिए, राधा स्वामियां ने लखां भटका दिते। दरअसल ऐसा क्यों है कि चारों पासे डाकू इस घर नू क्यों पए ने? पता है डाकू कित्थे जांदे हुंदे ने? जिस घर विच कुछ होवे डाकुआं नू पता ये चल जाए भी इत्थे है कुछ, उत्थे डाकू जांदे ने। ते डाकू सफल कित्थे हुंदे ने? जिथे घर वाले बिल्कुल ही सुते पए उत्थे सफल हो जांदे, उत्थे डाकू डाका डाल के चले जांदे। एक ते जगत नू पता है भी ये कौम बड़ी मालदार कौम है, इन्हां कोल शहीद ने, 10 गुरु ने, ज्ञान है, साहित है, विचार है, कुर्बानियां ने, जोश है, जज्बा है, बड़ी धनवान कौम है। तो चारों पास डाकू आए, जे असी लुटे गए तो सिर्फ इन्ना कि असी सौ रहे, सौ गए सुत्या है लुटे गए। इकबाल का एक शेर साडे उत्ते पूरा उतरदा है, बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दासतां कहते कहते। दुनिया ते सुन रही सी सानू, दुनिया ते निगाहां रखियां होईयां सन बई इन्हां तो बहुत कुछ होवेगा, बहुत कुछ होवेगा। पर इकबाल कहिंदा असीं सुणांदियां ही सुणांदियां सौ गए, सुनने वाले ते विचारे सुन गए पैसा, असीं सुणांदियां ही सुणांदियां सौ गए। दुनिया ने ते प्रेरणा लैनी सी, सुचेत बैठे सन बई इस कौम तो बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ी हुई है। पर होया कि ये कौम ही सौ गई, हम ही सो गए दास तां कहते कहते। श्रोते ते विचारे जागदे रहे पर सुनाण वाले ही सौ गए, हम ही सो गए दास तां कहते कहते। गल बिल्कुल पूरी उतरदी, बिल्कुल मुकम्मल है। राधा स्वामी एक होर नारा लांदे ने, वो कहंदे ने चलो मन लैंदे आ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु, लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि इस भोजन नूं वंडण वाले असी हाँ, तकसीम करन वाले असी हाँ, साडी कोई गल नहीं। थोड़ी जिहा विचारां मैं थोड़े सामने रखदे हां, क्योंकि ऐसा पखंड हिंदुस्तान तोड़ के थोड़े इत्थे इंग्लैंड भी आ जाता और बथेरे उसकी लपेट दे बथेरे। दो लफ्ज होर भी कह दें शायद थानू बर्दाश्त होवन के ना, गुरु घर विच संत सिर्फ गुरु नानक नूं आख्या गया। सिख असी होना है, तो सिख होना बड़ी औखी गल है। पता है क्यों? सिख बनने वास्ते पहले अंदरों ये कबूलना पएगा मैं सीखना है, मैं कुछ नहीं जानता। पहले भाव पैदा कर भाई मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई पता नहीं। हुण बंदे दे हंकार नू चोट लगती है भी ये किस तरह हो सकता मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत कुछ जानता। करीबन करीबन मैं घूम फिर के ऐसा देखा कोई भी ऐसा नहीं जिहड़ा आखे मैं कुछ नहीं जानता। सिख का मतलब की है? मैं सीखण नू राजी हाँ, मैं कुछ नहीं जानता।
सिख इतों सीखी शुरू होती भी मैं सीखना है। संस्कृत का जो शिष्य शब्द है उसका पंजाबी रूप है सिख। मैं सीखना है, मैं सीखने को राजी हाँ, मैं सीखना चाहता। तो जे मैं सीखना चाहता तो अंदरों ये भाव भी पैदा करना पेगा कि मैं कुछ नहीं जानता। पर घूम फिर के मैं इतने ये देखा अंधेरे दे भटकते बंदे भी कहने असं सब कुछ जानते, सानू सब कुछ पता है। तो जब किसी के अंदर यह भाव पैदा हो जाए भी सब कुछ पता है, असं सब कुछ जानते हैं, सीखी गई। सीख का मतलब है मैं सीखने को राजी हाँ और मैं कुछ नहीं जानता। यह बहुत वड्डी गल। और आखिरी दम तक सिख ने निर्माण रहना है भी मैं सीखना है कुछ। बहुत कुछ जगत विच सीखने नू बाकी है। गुरु नानक जी ने देखिया से कि अक्सर पुन ते ज्ञान भी हंकार पैदा कर देंदे ने। इस वास्ते सिख भाव इस दे अंदर बनिया रहे मैं सीखना है, मैं पूर्ण नहीं सीखिया, मैं पूर्ण रूप विच नहीं जाणिया, मैं अजे भी सीखने नू राजी हाँ, मैं अजे भी जानने नू राजी हाँ। यही कारण है कि साढ़े इस धर्म दे विच बड़िया बड़िया महान हस्तियां नू पता किस नाम नाल पुकारिया गया। सारी जिंदगी जो गुरु नानक नू कीर्तन सुनांदा रहा असी उन्हूं की कहने भाई मरदाना, संत मरदाना नहीं कहते। तो जे गुरु नानक नू कीर्तन सुनाण वाला भाई है तो फिर थानू कीर्तन सुनाण वाला भी कोई भाई साहब हो सकता, संत नहीं। यानी इतिहासक विचार मैं थोड़े सामने रख रहा, जिथे मैं भुल कर जावा मैं दस भी देना, जरूर दसना, मैं मान लियांगा अपनी भुल। पुछते ने लोग गुरु नानक तो बई जिहड़ा नाल है ये थोड़ा चेला है, थोड़ा नौकर है? पातशाह कहिंदे नहीं, मेरा भाई है, नौकर नहीं है, मेरा चेला नहीं है, मेरा भाई है। उतों भाई साहब की पदवी चली, भाई मरदाने तो भाई साहब। सारी जिंदगी जो गुरु नानक ते चौल करता रहा से उसनों की कहने भाई वाला, जिन्हें सिखी का फिलसफा दिता, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां विचारां दित्तियां, वारां ते कवित सवैयां दे रूप दे च दो महान अजीम रचनावां दित्तियां, उसनों असी की कहने भाई गुरदास, संत गुरदास नहीं कहने। जे किसी होर नूं संत तुसीं कहना है जणे खणे नूं तो फिर इतनी अर्ज है पहले भाई गुरदास साहब नूं जरूर आखो संत गुरदास, असी नहीं कहते भाई गुरदास। जो छे पातशाहियां तक रहा तो जिन्हें पांच पातशाहियां नूं अपने हथी तिलक लाया असी उन्हों की कहने भाई बुढ़ा या बाबा बुढ़ा। दूसरी पदवी चल पई सी बाबा बुढ़ा। और जिसने धर्म की खातर अपने बंद बंद कटा दिते असी उसनों की कहने भाई बने से। जो उबलती देह दे उबल गया से उसनों की कहने भाई दयाला। जिन्हें आरे नाल अपने तन के दो टुकड़े करा लै असी उन्हों कहने भाई मती लास। ते गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म मन के जिन्होंने अपना सीस देन नूं सब तो पहले पहल की थी असी उन्हां पंज प्यारियां नाल भाई शब्द जोड़े, भाई दया सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह। संत हिम्मत सिंह नहीं कहते, संत दया सिंह नहीं कहते। तो जे इतनिया अजीम शख्सियतां भाई ते बाबे तक ही रही ने तो हुण मैं इतनी अर्ज कर दिया जणे खणे नूं तुसीं संत जे कह दोगे तो उन्हूं गुरु बनदिया की देर लगेगी? कोई देर नहीं लगेगी। तुसीं अज संत कहो कल गुरु। इस निरंकारी नूं लोकां ने पहले संत कहा सी अज गुरु, लोकां ने पहले नामधारियां नूं संत कहा सी अज गुरु। बकायदा गुरु ग्रंथ साहब के सामने गद्दी है और बकायदा 14 गुरुआं दी अरदास है। ये की है? जिस तरीके की तुसी खुल दोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी दे फिर साड़ी इष्ट भावना ठेस लगेगी कि बहुत सारे धड़े खड़े कर दिते जाएंगे। तो मैं इतनी अर्ज करा संत शब्द गुरु घर गुरुआ वास्ते से। हुण इहदा कोई तवारीखी सबूत भी मैं दें तो मैं थोड़े सामने रखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रामदास साहब जी को मुखातब करके जो कुछ कहते हैं वे, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलब करे चा त्रिक के न्याई, त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे बिल दर्शन संत प्यारे। संत कहा जा रहा है गुरु रामदास,
दर्शन हो गए भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी घर में पाया। किधरे मैनु संत दोखी ना समझ लेना कहना है ता फिर सिर्फ असी पदवी गुरु नानक वास्ते, क्योंकि रूहानी दुनिया संत तो उच्चा कोई रुतबा नहीं है। हो सकते ने बहुत सारे, लेकिन असी रुतबा नहीं देना। असी भाई साहब कहना, असी बाबा जी कहना। ज्ञानी सिंह की पदवी चल पई सी भाई मनी सिंह को। जब भाई मनी सिंह ने 22वीं वार का तर्जमा किया तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पढ़िया, तो पढ़न के नाल कह लगे मनी सिंह तू तो साडा ज्ञानी सिंह है। ज्ञानी की पदवी चल पई, सिख धर्म के निर्माणता बनी रही। पर जिस दिन के संत धड़े खड़े हो गए असी 8-10 टुकड़िया तकसीम हो गए। कोई निरंकारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई नामधारी है, तो इस तो इलावा भी बाकी बेशुमार धड़े ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब नाल नहीं जुड़े। ये ठीक है कुछ पूजनीक हस्तियां हुई जिन्हां दे नाल भी बाबा शब्द है, बाबा अतर सिंह मस्तुआण, बाबा निधान सिंह, बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले, बाबा करम सिंह करके असीं कहिंदे ये शब्द सन। वो लोग अपने आप नूं नहीं गवांदे सन संत, जिसने हुणे हुणे कार सेवा कराई हरिमंदर साहब की, लोग बाबा जीवन सिंह करके कहिंदे, और ता जिंदगी उसने अपने आप नूं संत नहीं अखवाया। जिन्हां नूं समझ है भी ये शब्द गुरु वास्ते, ये शब्द गुरु नानक देव जी वास्ते। पर हुण तुसीं किसी भी संत नूं जो थोड़े इंग्लैंड विच भ्रमण कर रहे हैं सिर्फ भाई साहब करके देखो, ज्ञानी जी करके बुला के वेखो किस तरह टुट के पैंदे। तुसीं फतेह बुला के देखो, नहीं बुलाणगे भी हैं ये कौन आ गया सड़े होया संत दोखी। तो जे ठीक है ये थानू कबूल नहीं तो कौम तो धड़िया च बढ़ जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये पदवी असी सिर्फ गुरु नूं देने, भाग हुआ गुर संत मिलाया। जापदा है योजना दे ढोंगी संत कबीर नूं भी टकरे सन, तो कबीर नूं कहा गया भी तू भी कोई संत धारण कर ले। पता कबीर की कहिंदा, हमरो भरता बड़ो बिवेकी आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। ओ जड़ा मेरा मालिक है ना परमात्मा, ओ संत है, ओ रब नूं भी संत है, ते ओ दा मेर भरिया हाथ मेरे सिर ते, हुण होर किसे संत की लोड़ नहीं। एवें खामा खा पुठे पासे पै जावां कोई लोड़ नहीं। तुसीं आखोगे संत पुठे पासे पांदे ने, तो निरंकारियां ने किहड़े रस्ते पाया, राधा स्वामियां ने किहड़े रस्ते पाया, नामधारियां ने किहड़े रस्ते पाया, आखिर संत ही कहलांदे ने। ते संत होके की कर छड़े इन्हां ने तुहाडे सामने, बाकी संत की कर रहे ने। कोई थानू तस्वीर पै देंदे ने, भाई तस्वीर का ध्यान करो, तस्वीर तो जे तस्वीर ही गुरु है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब गुरु नहीं है। इतनी भी मैं अर्ज कर दें, जे तस्वीर दे च ही ध्यान जोड़ना है तो जे तस्वीर ही इष्ट है साडा, तो एक गल स्पष्ट हो गई, गुरु ग्रंथ साहब जी साडे इष्ट नहीं है, शब्द साडा इष्ट नहीं। भोले भाद च पहाड़ वर्गियां गलतियां साडे जगत दे चल गई और असी कबूली जांदे, वो फोटूआं वंडी जांदे, असी फोटूआं ध्यान जोड़ी जांदे। जबकि पातशाह कहिंदे ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सवे जग छाए। जेदे आसरे ते सारा जगत खड़ा है ओदा ध्यान जोड़ो, ते किस दे आसरे ते खड़ा है तेह लोकां में शब्द रव्या है आप गया मन मानिया। गुरु अमरदास साहब जी कहन ये तीन लोग शब्द दे आसरे ते खड़े, आवाज दे आसरे ते। इस्लाम कहिंदा जगत खड़ा है उन नाम दे शब्द दे आसरे ते। हिंदू ऋषि कहिंदे ने ओम दी धुन दे आसरे ते जगत खड़ा है, ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे कीता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पए एक शब्द तो, एक कवाओ तो, अणगिनत जिंदगियां तो शब्द तक ते पहुंचना है, शब्द तक पहुंचना है शब्द दे आसरे ते। पर ये महापुरख ऐलानिया तौर ते कहिंदे शब्द असी वंड रहे, शब्द दी असी व्याख्या कर रहे, इस वास्ते असी गुरु। इस स्टेज पर कोई बंदा बैठा हुआ उदे ते चौर हो रही हो तो अपने आप नू गुरु आखे ते वह कुछ व्याख्या कर रहा हो तो हुण सवाल यह पैदा होंदा तुसीं हिरदे विच उपदेश नू वसाओगे कि उपदेशक नू। एक सवाल, हिरदे विच उपदेश नू वसाना है या उपदेशक नू? जे तुसीं आखो उपदेशक नू वसाना है तो फिर उपदेश सुनना है वक्त जाया करना, तो क्यों सुनना?
क्योंकि हिरदे ते उपदेशक नूं वसाना। ते जे तुसी आखो हिरदे च उपदेश नूं वसाना ते इको टाइम एक चीज अंदर वस सकदी, उपदेश नूं हिरदे च वसाना। तो जिहनूं हिरदे च वसाना फिर गुरु ओही है। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ, ज्ञान नूं हिरदे च वसाओ ते अपने मन नूं उपदेश करो। तो गुरु ग्रंथ साहब की है उपदेश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शरीर स्वरूप नहीं है। और दसों गुरु साहबान नाल शरीर दे नाल जोड़न की कोशिश भी नहीं की थी, किधरे भी नहीं की थी, शब्द नाल जोड़न की कोशिश की थी। बार बार कहते रहे बाणी गुरु गुरु है बाणी, बार बार वो आखते रहे शब्द गुरु सुरत धुन चेला, बार बार उन्होंने आख्या है शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना, ज्ञान गुरु आ तम उपदेशो नाम विभूत लगाओ। पर राधा स्वामी की तर्क का एक होर भी मैं जवाब दे दिया, ताकि देश तो दूर वसते सिंह भरम भुलेखिया च ना पै जान। भाई साहब के एक सवैये तो मैं प्रेरणा ले गया, उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिता भी एक प्यासा बंदा रेगिस्तानी सहरा के अंदरों लंघिया जा रहा है, रेगिस्तान दे तो रेतले टिब्बे जड़े आते उत्थे गर्मी बड़ी होती, बहुत गर्मी, तो गर्मी करके उस बेचारे नूं प्यास बड़ी लगी, रोम रोम त्रिहाया हो गया, प्यासा हो गया, चल रहा है पानी मंगदा पर पानी है नहीं किधरे। आखिर की दिस पिया चलदिया चलदिया नखलिस्तान, अरबी दे च नखलिस्तान उन्हों कहिंदे जिथे रेतले टिब्बियां दे च किधरे कोई पांच चार दरख्त खड़े होवन ते थोड़ा जिहा घा भी होवे घास हो, कहिंदे नखलिस्तान। दूरों प्यासा बंदा अंदाजा ला लैंदा है वे रेत दे इन्हां टिब्बियां दे च जे नखलिस्तान है तो पानी भी होगा, क्योंकि उस तो बिना हरियावल नहीं हो सकती। मनुख नूं दिस पिया उस प्यासे नूं नखलिस्तान, दरख्त ने घास है भजे होया गया, की देखदा उत्थे दो घड़े भी पए ने, खुश होया बई त्रियाया अपनी प्यास मिटावांगा। घड़े का ढक्कण चुकिया खाली पानी नहीं सी, दुखी हो गया बेचैन हो गया, पर अजे पूरा मायूस नहीं होया। दूजा घड़ा उहदा ढक्कण जद चुकिया ते ओह लबालब पानी नाल भरिया होया सी, रज के उन्हें पानी पीता अपनी प्यास मिटाई। हुण एक सवाल पैदा होंदा है उहदी प्यास घड़े उन्हें पानी पीता अपनी प्यास मिटाई। हुण एक सवाल पैदा होंदा है उदी प्यास घड़े ने बुझाई के पानी ने किने बुझाई। एक बंदा कहिंदा मैं दरिया तो अपनी प्यास बुझा के आया, गलत कहिंदा है, पानी तो ही प्यास बुझदी है, जे दरिया विच पानी ना होवे फिर की करेगा। एक बंदा कहिंदा मैं नलके तो अपनी प्यास बुझाई है, बिल्कुल गलत कहिंदा, लोहे का बनिया है नलका कित्थों प्यास बुझाएगा, प्यास तो पानी तो बुझदी है, जे नलके विच पानी ना होवे फिर किस तरह बुझेगी तेरी प्यास। बंदा कहिंदा मैं खूह तो अपनी प्यास बुझा के आया, सरोवर तो अपनी प्यास बुझा के आया, बिल्कुल गलत कहिंदा है, पानी तो ही प्यास बुझदी है, जे सरोवर विच पानी ना होवे फिर, जे खूह दे विच पानी ना होवे फिर। और इसे तरीके नाल बंदा गलत कहिंदा मैं घड़े तो अपनी प्यास बुझाई है, नहीं, प्यास पानी तो बुझदी है, चाहे पानी घड़े विच होवे, ललके अंदर होवे, सरोवर दे च होवे या दरिया दे च होवे, आत्मक शांति ज्ञान तो मिलती है, गुरबाणी तो मिलती है। ये चाहे कागजा से लिखी हुई हो, चाहे पत्थरों से लिखी हुई हो, चाहे मनुख के हिरदे से लिखी हुई, सकून गुरबाणी तो मिलेगा, शांति गुरबाणी तो मिलेगी। सवाल यह नहीं कि केड़े भांडे चो मिल रही है, दरिया का पानी पी रहे हैं, सरोवर का पी रहे हैं, नलके का पी तो पानी रहे हैं, तो फिर पानी तो ही प्यास बुझती है। कौन गुरबाणी सुना रहा है, कितों असी पढ़ रहे हैं, सवाल यह नहीं, सवाल यह शांति किस तो मिलती है, बाणी तो, सुकून किस तो मिलता है, शब्द तो। इस वास्ते शब्द गुरु है। पर हां घड़े का धनवाद है जिस घड़े तो पानी पी लिया, तो हूँ घड़ा यह आके नहीं मैं ही पानी हाँ, तो फिर भुलेखा है उसका, तेरा पुरखा धनवाद है तेरे चो पानी पी लिया। इस वास्ते
गुरु अर्जन देव जी महाराज धन्यवाद करते हैं, जो दी से गुरु सिकड़ा तिस न्यो न्यो लागो पाए जी, भी पैरी पहने। पर मैं इतनी अर्ज करते हैं, सिख कदी तुसी इस तरीके की भी पंक्ति वर्त के देख लो अजोके संतां ते औखे हो जाते, भाई सिख नहीं असी ते संत, असी ते गुरु। और साफ कहते हैं वो ऐलानिया रूप में जो है कहते, आप हैरान होवोगे संगीत के जेडे ग्रंथ ने ना वो भी शब्द नू गुरु ते ब्रह्म मानते। उन्होंने शब्दों की बड़ी सोहनी व्याख्या की है, दो चार मिनट मैं आप जी के होर लाऊंगा। वह कहते हैं शब्द दो तरह के आते हैं, आहत शब्द अनाहत शब्द। आहत शब्द जो दो चीजा के टकराव तो पैदा होता है, मैं दो हथ इंज मारा आवाज जो पैदा होगी इनू कहते हैं आहत शब्द। पत्थर दे नाल पत्थर टकरावे, लोहे नाल लोहा टकरावे, दो चीजा के टकराव तो जिहड़ी आवाज पैदा होती है उन्होंने कहते हैं आहत। पवन वगद जो है दरख्तों नाल टकरांदी है, पानी पत्थरों नाल जब टकरांदा है तो जिहड़ी धुन पैदा होती है आवाज इनू कहते हैं आहत शब्द। जितना थोड़े कन्नां विच आवाज पै रही है यह सब आहत शब्द है। अनाहत जो मन की एकाग्रता तो और जो हमेशा है पैदा नहीं हो रही है जो मूल है उनू अनाहत शब्द कहते हैं। उसनों पैगंबरी पुरुष भगत गुरसिख सुनते हैं, सुन समाद अनाहत तैनात कहन न जाई अचरज बिस्मा, सुन मंडलिक जोगी बैसे नार न पुरख कहो को कैसे। बड़ी सुंदर व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के, इस वक्त इस पासे ना जाई। आहत शब्द ते अनाहत शब्द, आहत जो दो चीजा के टकराव तो पैदा हुए, अनाहत जो मूल है जो है सदैव ही है और उस तक पहुंचना ही ब्रह्म तक पहुंचना है अनाहत शब्द तक। आहत शब्द के आसरे से अनाहत शब्द तक पहुंचना है और अनाहत शब्द तक कोई पहुंच गया तो ब्रह्म तक पहुंच गया। जिहड़ा आहत शब्द है इहदी अगां चल के संगीत के ग्रंथा ने व्याख्या कर दी है, भी पांच तरह के आते हैं, तत् वित घन नाद सुगर। सारी रात तुसी संगीत की धुना विच गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया। संगीत आचार्य कहते हैं कि आवाज शब्द के पांच रूप ने, तत् वित घन नाद सुगर। तो इन्हां पंजां की उत्पत्ति कित्थों है, तत् तंती, तंती साजां तो जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है तत् शब्द। तो आवाज तां पैदा होगी टकराओ उंगलां या कोई चीज टकराओगे तां ही जो है साज बोलेगा उंजने। तत् तंती विच वित चरम का, चमड़े के जिहड़े मड़े हुए साज ने इहदे उत्ते थाप मारीए तो जो आवाज निकलती है यह वित शब्द। घन का सेका जान धातुआं टकरावन, सोना सोने नाल, पित्तल पित्तल नाल, तांबा तांबे नाल, ये जिहड़ी धुन पैदा होती है इहनूं जो है घन शब्द करके कहा। नाद शब्द घट को कहें, घड़े दे उत्ते थाप मारन नाल उहदे चों जिहड़ी धुन पैदा होती है नाद शब्द। सुगर स्वास पहचान, हवा तो जिहड़ी आवाज पैदा होवे, शहनाई है, मुरली है, हारमोनीयम है, संख है, यह सुगर शब्द पवन नाल बोलदे। साढ़े कोल जिहड़ी आवाज है किहड़ी है, शुगर शब्द, क्योंकि असी भी पवन करके बोलते हैं। जैसे मुरली विच हवा फूकांगे तां बोलेगी, शहनाई नूं फूकांगे तां बोलेगी, हारमोनीयम नूं हवा देंगे पंखा देंगे तां बोलेगा। हू बहु साढ़े अंदर भी एक पंखा चलता है तां आवाज पैदा होती है। देही माटी बोले पौन, बोलन हार परम गुरु एही, पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, पौन गुरु गुरु शब्द है वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया भाई साहब भाई गुरुदास साहब जी। भई ये पौन भाई बोलती ते सारा संबंध बोलन करके, ते बोलन हार परम गुरु ए पवन गुरु है, क्योंकि बोलना इस तो पैदा हो रही है, ते बोलन नाल संबंध जुड़ रहा है निरंकार नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाल। मनुख का जिहड़ा शुगर शब्द है जगत के सारे शब्दों नालों महान है। भई क्यों, बाकी थां ते शब्द ते हैं पर शब्दां विच अक्खर नहीं है। जैसे सितार नूं पुछिए भई तैनूं किसने बनाया ते तू कदों बनी, नहीं बोल सकदी। जद वज रही होवे इतना जरूर पता चलता है
भई हां यह आवाज सितार दी है, यह आवाज तबले दी है, यह आवाज हारमोनीयम दी है, पर हुण हारमोनीयम दे चो जपजी थोड़ी निकल सकदा, सुखमनी साहब का पाठ थोड़ी निकल सकदा, भी तुसी वजाई जाओ तो विचों सुखमनी साहब निकली जाए। अखर नहीं ने, पशुआं कोल भी अखर नहीं ने, पंछियां कोल भी नहीं ने, जबकि सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे च बंद है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण दा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे च बंद है, ते अखर आवाज दे अधीन। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सारा संजोग विजोग जगत की सारी खेड अखरां दे च है। एक गुंगे बंदे कोल आवाज ते है, अखर नहीं ने। उस गुंगे नूं पुछिए भी तू कित्थों आया, आ करदा, भी तेरे मां बाप कौन ने, तेरा नां की है, तू किनों मिलना है, आ करदा। हुण अखर कोई नहीं चा अपने बारे दस नहीं सकदा, कुछ भी नहीं दस सकता, क्योंकि अखरां नाल ही जो है सारा संबंध है। तो पातशाह कहिंदे ने अखर अंदर त्रिभुवन धार है, तीन लोगों का जिहड़ा ज्ञान है अखरां दे च बंद पे। प्रोफेसर गुंगा होवे, दुकान ते दुकानदार बैठा होवे गुंगा होवे, ग्राहक गुंगा होवे, संसार का निजाम चल सकेगा? तीन रागी सिंह बैठ जान स्टेज ते, तीन ही गुंगे होवन, की सुणांगे, किस तरह पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। एक पाठी सिंह बैठ जाए गुरु ग्रंथ साहब की ताव्या, गूंगा हो गया, गल बनेगी कुछ? एक प्रोफेसर हो गए क्लास में बैठ जाए, गूंगा हो गया। पर इतनी मैं अर्ज कर दें, अगर अंधा इसते स्टेज पर बैठ जाए, प्रवान है, शब्द गा सकता है, संबंध जोड़ सकता है, अपना भी जोड़ सकता है, दूजियां का भी जोड़ सकता, गल कर सकता। इस वास्ते किसी दियां अखां नहीं, कोई बहुत वड्डी घटना नहीं, पर बहुत वड्डा दया का पात्र है वह बंदा जिहदी जबान ही कोई नहीं, तो जबान नाल ही तो निरंकार नाल जुड़ना है, जबान नाल ही तो संसार नाल जुड़ना है। एक दूजी बहु लख होवे, करना तो एक जबान नूं ही लख है, बार बार इनूं रटना है, ता ही जो है परमात्मा दे नाल संबंध जुड़ेगा। तो यह उसके कोल है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, शब्द अनाहत ए गुरु, और ये जिहड़ी बाणी है इहनूं किधरे आहत ना समझ लेना, अनाहत है, ये अनाहत तो पैदा हुई है। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो, खसम की है अनाहत, उस अनाहत धुन तो ये उठी है, ये बुलंद हुई है, गुरु नानक दी सुरत अनाहत तक पहुंची है, ते अनाहत तो फिर धुना उठिया ने की ये बाणी, ये थोड़े सामने इस धुन ने, इस गुरबाणी ने थानू अनाहत तक जो है पहुंचाना, तुसी उत्थे तक जो है पहुंचना है इस शब्द के आसरे से। शब्द किस तरह प्रेरणादायक है, एक दो उदाहरण मैं दें। रात का वक्त है, तंग तारीक रस्ता है, दो बंदे एक पहाड़ी दर्रे दे चो लंघे जा रहे हैं, तो एक कहिंदा मित्रा अगों ते दरिया है, दूजा कहिंदा दिसदा है, कहिंदा नहीं आवाज आ रही, पानी पत्थरां नाल टकरा रहा है ना, आवाज आ रही है, तो आवाज तो दरिया का ज्ञान मिल गया। घर विच बच्चा खेड रहा है, तो खेडदिया खेडदिया मां नूं कहिंदा बुआ खोल बार बापू आए ने, तू वेखे ने, कहिंदा नहीं आवाज आई, आवाज तो बापू का ज्ञान मिल गया। अद्धी रात का वक्त है, घर विच सुत्ता होया बंदा चौंक पिया, बच्चियां नूं जगांदा है, घर विच चोर ने, भी देखे ने, कहिंदा नहीं आवाज आई, खड़ाक होया, आवाज तो चोरां का ज्ञान मिल गया, आवाज तो वगदे हुए दरिया का ज्ञान मिल गया, आवाज तो बच्चे नूं बापू का ज्ञान मिल गया। एक आवाज ऐसी है जिस तों संसार का ज्ञान मिलता है, एक आवाज ऐसी है जिस तों निरंकार का ज्ञान मिलता है, ज्ञान आवाज तो मिलेगा। तो जो आवाज तो संसार का ज्ञान मिले शब्द, तो जिस आवाज तो निरंकार का ज्ञान मिले गुर शब्द, शब्द नहीं गुर शब्द, सिरमौर शब्द, महान शब्द जो परमात्मा नाल जोड़ दें, ईश्वर दे नाल जोड़ दें। एक विचार आप जी के समक्ष रख के समाप्ति। जेबुल नसा औरंगजेब की चहेती लड़की हुई है, बहुत सियानी, बड़ी आलम, तो जिवें सूरज की रोशनी किसी की विरासत नहीं है, असं ये नहीं कह सकते कि जिहड़ा सूरज है ये अंग्रेज है, अमरीकन है, या जर्मनी है, या ये चीनी है, या हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, जी नहीं कह सकते।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਵੇ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਾਪਾਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ, ਇੰਝ ਦਾਅਵੇ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਨ ਬਾਪੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੋ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਲਖਨਊ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਲਖਨਊ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਈ ਬੰਦਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੀਂ। ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪਏ ਨੇ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ 'ਤੇ ਹਸੀਦਾ, ਮੂੜ 'ਤੇ ਹਸੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੂਰਖਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਪਾਸ ਬਾਨੇ ਅਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਕਭੀ ਇਸੇ ਤਨਹਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੀਵਾ ਜਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਭਟਕੇ, ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਂਝ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਂਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਸਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਇਹ, ਦਰ ਸੁਖਨ ਪਿਨਹਾ ਸੁਦਮ ਦਲ ਵਰਗੇ ਗੁਲ ਮਾਨੰਦੇ ਬੋ ਹਰ ਚੇ ਦੀਦਨ ਮਹਿਲਦਾਰੀ ਦਰ ਸੁਖਨ ਬੇਨਦ ਮਰਾ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਚ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਸਾਫਰ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਕ ਆਈ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਲਾਬ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਧਰੇ, ਫੁੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਮਹਿਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਈ, ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੇਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਚਮੇਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਧਰੇ, ਪਰ ਮਹਿਕ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਸਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚ, ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ? ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਜੈਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ, ਹੂ ਬਹੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ। ਅਤਾਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟ ਅਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੋਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਕੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਂਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਇੱਥੇ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿਕ ਇੱਥੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਬੰਦਾ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਲੁਟਾਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬੜੇ ਬੈ ਲੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
लुटेरियां नूं बेइज्जत किया जाता। पर कबीर कहते हैं एक चीज ऐसी है धन तो भी बड़ी उच्ची है, जे किधर तू लुट है तो तेन लोग सिर पर बिठा, तू लुटते सही पर कोई लुटेरा बनता ही नहीं। कबीर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लूट यह है कि मेहनत तो कुछ भी ना करनी पे, मुल कुछ भी ना आवे तो सब कुछ मिल जाए, हथियार आवे पुरखा तू बैठ जा चौकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाए। वाहिगुरु नु लुटना है, ये नाम नु लुटना है, ये अपनी झोली भरनी है। तो ऐसा जिहड़ा लुटेरा होवे फिर उन्होंने भगत कहंदे ने लोकी, बई इन्हें तो रब का ना ही लुट लिया, इन्हें तो परमात्मा का ना ही लुट लिया। और फिर गुरसिख कहते हैं, गुरमुख कहते हैं, आलम कहते हैं, जुड़िया हुआ जो है कहते हैं, बशर्ते उन्हों किधरे जो है लुटन की जाच आ जाए। धन नू लुटन के हर थां ते मौके नहीं मिलते, कभी कभी डाकुआं नू मौका मिलता है बैंक लुटन का, कोई घर लुटन का, कहते सफल हो गए। पर खिमा करने राम नाम की लुट तो हर वक्त ही है, पर कोई लुटेरे ही कोई नहीं, कोई लुटना ही नहीं चाहता, लुटना है कोई पुलिस नहीं, कोई बंदिश नहीं। तुसी वाहगुरु वाहगुरु आपको कौन रोकता है। लबा लब बेकुन दम ब दम नोशकुन गमे हर दुआलम फरामोशकुन, ऐ स्वास दे प्यालियां दे परमात्मा का नाम भर ले, जपी जा जपी जा, रज के जो है इस नाम नु एकत्र कर ले, इस धन नु जो एकत्र कर ले तो तुसी खुशकिस्मत हो। सारी रात नाम दियां धुंडां गूंजदियां रहियां, फुलां दी महक चारों पासे चढ़दी रही। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने बुलाल अफशानी अज दस्ते मुबारक जमीनो आसमारा सुरखरू कर। भाई साहब भाई नंद लाल, होली का दिन सी, होली का ते होली हिंदुस्तान का बड़ा गजब का त्यौहार है, रंग उछलते हैं एक दूजे देते। मनोविज्ञानी दो तरह के नाल इस त्यौहार नूं लैंदे ने। एक तो कहंदे ने कि साल भर जो मनुख के अंदर गंद कट्ठी हो गई होंदी है, किसी नूं गाल कढ़ना चाहता सी नहीं कढ़ सकिया, किसी नूं मारना चाहता सी नहीं मार सकिया, किसी नाल ठट्ठा मखौल करना चाहता सी सभ्यता ने नहीं करन दिता, तो एक त्यौहार हिंदू ऋषि मुनिया ने ऐसा रखे वे उस दिन बंदा सारिया गालां कढ़े, जिनी अंदर दी गंद है कढ़ लवे। तो होली वाले दिन अक्सर शरीफ बंदे घर च ही वड़ जाते हैं, बाहर नहीं, बड़ी गालियां गलोच होगी, बड़ी गंद उछली जाएगी, दुनिया भर का अनर्थ उस दिन बोलिया जाएगा। जिन्होंने थोड़ा जि हिंदुस्तानी सभ्यता का पता हो, ये एक त्यौहार है जिस दिन बड़े बड़े शरीफ भी बदमाश बन जाते हैं, देखने आया वो भी वह कुछ बोलते हैं हैरान की खुल दे दी गई। दूसरा यह सी बई रंग छिड़को, तो रंग दे खास करके गुलाल, नाम का रंग कुछ लाल मनिया गया गुलाल। कवन बरीरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाल, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ा। फिर बिस्म बिस्म बिस्मे ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है ज्यो चाक गूंगा मुस्कारे। लाल रंग दा गुरु ग्रंथ साहब विच इतना जिक्र है कि टीकाकारा नूं व्याख्याकारा नूं इस विषय के उत्ते खोज करनी पई है, इतनी चर्चा कर इतनी गल क्यों। दरअसल खून का रंग लाल है, तो खून साडा जीवन है, किसी का खून चिट्टा पै जाए कहने ते खून ही चिट्टा हो गया, खून काला हो जाए, खून पीला पै जाए गल नहीं, खून लाल चाहिए। ये जिंदगी की रौम है भी खून इसका लाल है और साफ है। कहते हैं ज्यों ज्यों बंदा नाम जपदा है खून की लाली बत्ती, खून दे सफाई आती है, खून दे पीलापन खत्म होता है, कालापन खत्म होता है, चिट्टापन खत्म होता है। इस वास्ते अक्सर कह दिता गया है कि नाम जपंदड़े लाली गुजड़ा लथम लाल है मथे ही प्रगट किया, कुछ इस तरह दचार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के मिलती हैं। होली का दिन भाई साहब भाई नंद लाल जा रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन कर, पर आप तो किसी ने रंग नहीं पाए, तो कपड़े बहुत अच्छे पाए भाई साहब ने, तो दूसरे सारे डरन भाई शायर आजम है कवि है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अनन भगत है, साहबां की हजूरी दे जा रहा है, नाराज ना हो जाए, इन्हों की दुनिया वख है, रंग नहीं पाया किसी, सीधे चले गए साहबां की हजूरी च, तो उत्थे की देखते हैं साहब खामोश बैठे न, संगत भी खामोश। होली का दिन सहजे सहजे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बोलना शुरू किया,
संगतां नूं कुछ समझाना शुरू किया ते जो कुछ उपदेश दिता उस तो बाद भाई नंद लाल खड़े होके होली की वजाहत करते हैं। गुले होली बबागे दहर बू करद लबे चू हुंचा रा फर खंदा ए हो करद। ऐ मेरे पातशाह जब तुसी खामोश से ना बिल्कुल चुप बैठे से ते इंज से भाई फुल अजे डोडिया के रूप में खिड़िया ने डोडी महक नहीं आती जब फुल खिड़ पैंदा है फिर महक आती फिर सुगंधी आती ते तुसी बोलना शुरू किया मानो महक बाहर आ गई सुगंधी बाहर आ गई ते सिर्फ सुगंधी ही कानू होली का त्योहार सफल हो गया। गुलाल अफशानी अस दस्ते मुबारक जमीनों आसमारा सुरखरू कर दे। थोड़े बचन ऐसे गुलाल रंग नाल रंगे हुए ऐसी मस्ती नाल रंगे हुए जमीन ते आसमान रंगे गए। मूर्ख भी रंगया गया सियाणा भी रंगया गया छोटा भी रंगया गया वड्डा भी रंगया गया जमीनों आसमारा सुरखरू कर दे। ऐ मेरे पातशाह अज पता चले है ये भी एक रंग है ये भी एक मस्ती है। जिस वक्त बंदा भय दे चोवे चेहरे का रंग कुछ होर हो जाता है। जिस वक्त बंदा खुशी दे चोवे चेहरे का रंग कुछ होर हो जाता है। जिस वक्त बंदा किसी हद तक गम दे चोवे चिंता दे चोवे चेहरे का रंग कुछ होर हो जाता है। जिस वक्त बंदा किसी मस्ती दे चोवे शरीर अपना रंग बदलता रहता है। तो नंद लाल कहिंदे पातशाह जो तुसी बचन सुनाए ने इहदे नाल ओ पलटा आया है स्पष्ट हो गई गल कि तुसी गुलाल छिड़किया है ते असी रंगे गए असी किसी मस्ती दे चलीन हो गए। गुलाल अफशानी अस दस्ते मुबारक। तो सारी रात इत्थे गुरबाणी दियां खुशबूआं ते सतगुरदेव जी महाराज की बाणी का रंग खिलेरिया जांदा रहा। खुशकिस्मत होणगे इन्हां खुशबूआं नूं इस रंग नूं लै जाणगे और ता जिंदगी इस रंग नूं उतरन नहीं देणगे। यह रंग बने आ रहा है यह मस्ती बनी रहे। बस इतनी ही अरदास है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च सारी रात जो इस महक देश तुसी रहे हो इस आनंद देश तुसी रहे हो ये आनंद ता जिंदगी बनिया रहे और ये महक ता जिंदगी उस थान की प्रेरणा देती रहे जिथों ये महक उठ के आती है बार बार जो है उठ के आती है। सतगुरदेव जी महाराज सारिया के हिरदे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नाल जोड़न ते शब्द के आसरे ते सारिया की जिहड़ी सुरत है अनाहत धुन तक पहुँचे उस अनाहत धुन तक जो जगत का मूल है संसार का मूल है इन्हें अखर प्रवान करने सारिया का मैं हार्दिक तौर पर धनवादी एकाग्रता दे नाल आप जी ने जो है विचार सुन कीतियां ने। दरअसल कल का मैं कुछ काफ़ी ढिला हो गया सी दाल दे भी दर्द तो कुछ हरारत पहले तो मैं सोचा कि छुट्टी मंग लेंगे पर गुरमुख दो सज्जन पहुँच गए तो भाई साहब का संदेशा भी सतगुरु ने आप ही समर्था दे दी तो थोड़े चरणों में इतनी जो है मैं हाजिरी भर ली है थोड़ी असीस का मैं पात्र बन सका यही अरदास है तो तुसी नाम नाल जुड़ सको सतगुरदेव जी महाराज के चरणों च यही अरदास है यही बिने सरबत्ता हार्दिक तौर पर धनवादी भुला चुका माँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरु प्रसाद सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी सतगुरदेव जी महाराज की फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा।